आज हम नॉन टेक्सचुअल पैसेज का पैसेज सिक्स देख रहे हैं जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर फोर सेक्शन फोर में आता है ये टेंथ केस में तो इसका पैसेज है आवर फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ नेचुरल वेल्थ कवरिंग वन फिफ्थ ऑफ द एंटायर लैंड एरिया दे सप्लाई द टिम्बर फॉर द रेलवेज बिल्डिंग्स एंड फर्नीचर मेकिंग मतलब हमारी कंट्री का वन फिफ्थ लैंड जो है वो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है और ये हमको क्या सप्लाई करते हैं टिम्बर यानी लकड़ा रेलवे बिल्डिंग और फर्नीचर बनाने के लिए दे ऑल्सो सप्लाई द फ्यूल फॉर कुकिंग यानि खाना पकाने के लिए ईंधन एंड द बम्बू फॉर पेपर मेकिंग और पेपर बनाने के लिए बांस बांस की लकड़ी ये प्रोवाइड करते हैं मेडिसिनल हर्ब्स आर आल्सो कम फ्रॉम दिस फॉरेस्ट मेडिसिनल हर्ब्स यानी जो दवाई बनती है जिन जड़ी बूटियों से वो भी फॉरेस्ट से मिलती है इन ओल्डन डेज और वाइज मैन एंड फिलोसोफर्स हैड देर आश्रम्स इन द फॉरेस्ट यानी पुराने वक्तों में पुराने ज़माने में और आश्रम हुआ करते थे जंगलों में These ashrams were centers of knowledge and learning. Those sages had done an excellent job of maintaining our forests, so we had wonderful forest तो पुराने ज़माने में जंगलों में आश्रम रहते थे और जो संत वगैरह वहाँ रहते थे वो इन आश्रमों को maintain करने की उन्होंने एक्सेलेंट जॉब की थी बहुत अच्छा काम किया था इसलिए हमारे पास इतने अच्छे फॉरेस्ट है इतने अच्छे जंगल है आज अनफॉर्चुनेटली फॉरेस्ट फेयर रथलेसली कट डाउन इन द पास्ट फ्यू ईयर्स पिछले कुछ सालों में फॉरेस्ट को बहुत बेरहमी से काट दिया गया वाइल द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग द डिमांड फॉर टिम्बर इज ग्रोइंग तो फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहे हैं यानी उनको काट दिया जा रहा है लेकिन टिम्बर की जो डिमांड है ने, लकड़ी की डिमांड है जो ये बढ़ती जा रही है वी मस्ट डेयर फॉर प्रोटेक्ट एंड डेवलप आवर फॉरेस्ट इसके इसीलिए हमें अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनको डेवलप करना चाहिए तो इस डायरेक्शन में वन महोत्सव एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है वन महोत्सव इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन दिस डायरेक्शन इट इज़ ऑब्जर्व फॉर ए वीक इन जुलाई एवरी ईयर तो हर साल जुलाई में एक हफ्ते के लिए वन महोत्सव मनाया जाता है हमारे इंडिया में ड्यूरिंग दिस वीक लैक्स ऑफ सैप्लिंग्स आर प्लान्ट्रूट द कंट्री तो पूरे मुल्क में लाखों सेपलिंग्स यानी लाखों पौधे इस वीक में लगाए जाते हैं तो जुलाई में तो जुलाई में इसलिए लगाए जाते हैं कि हमारे यहाँ उस वक्त बारिश का मौसम रहता है पौधे आसानी से लग जाते हैं दिस इज़ बींग डन टू रिस्टोर द फॉरेस्ट आवर फास्ट डिसअपियरिंग फॉरेस्ट तो ये किस लिए किया जा रहा है कि जो हमारे जंगल जो तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं उसको बचाने के लिए स्टिल डिफॉरेस्टन फॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन पॉजेज ए सीरियस थ्रेट टू फॉरेस्ट ऑन द अर्थ इन डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की जो कटाई हो रही है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खतरा है पूरी दुनिया के जंगलों को फॉरेस्टेशन कॉजे सॉइल इरोजन सडन फ्लड्स एंड ग्लोबल वार्मिंग तो डिफॉरेस्टेशन के वजह से क्या होता है मिट्टी की झीझ होती है सैलाब आते हैं और ग्लोबल वार्मिंग होती है अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो इन ओल्डन डेज द सेज लिविंग इन द फॉरेस्ट हैज़ एंड एक्सेलेंट जॉब सेकेंड में आएगा वन महोत्सव इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन प्रोटेक्टिंग एंड डेवलपिंग और फॉरेस्ट और फॉरेस्ट कवर्स वन फिफ्थ ऑफ कंट्री लैंड एरिया उसके बाद में है फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ नेचुरल वेल्थ ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन अब हम वेब डायग्राम को कंप्लीट करेंगे द वेल्थ सप्लाइड बाय द फॉरेस्ट टिम्बर उसके बाद फ्यूल उसके बाद में मेडिसिनल हर्ब्स एंड बाम्बू ठीक है उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ए थ्री है मैच द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज तो डिस्ट्राई का एंटोनिम हो गया प्रोटेक्ट अपियरिंग का हो गया डिसअपियरिंग उसके बाद में है फॉरेस्टेशन का डिफॉरेस्टेशन एंड आर्टिफिशियल का नेचुरल ये हो गया उसके बाद में डू एज डायरेक्टेड है तो फॉरेस्ट वेर रथलेसली कट डाउन इन द पास्ट फ्यू ईयर डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन बनाना इसमें अंडरलाइन नहीं किया हुआ था तो हमने अंडरलाइन किया इसको सेकेंड है दे सप्लाई द फ्यूल फॉर कुकिंग एंड द बम्बू फॉर पेपर मेकिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो ये हमने यूज़ करके बताया आपको उसके बाद में वाई डू यू थिंक महोत्सव वन महोत्सव ऑर्गेनाइज इन जुलाई तो जुलाई में हेवी रेनफॉल रहता है इन इन जुलाई हेवी रेनफॉल इज ऑब्जर्व इन आवर कंट्री दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इन प्लांटिंग एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्री सो वन महोत्सव इज ऑर्गेनाइज इन जुलाई ठीक है उसके बाद में है समरी राइटिंग तो समरी लिखी हमने फॉरेस्ट आर फुल ऑफ नेचुरल वेल्थ लाइक टिम्बर फ्यूल बाम्बू एंड मेडिसिनल हर्ब्स इन पास दिस फॉरेस्ट वेयर कट डाउन रथलेसली दिस कॉस्ट सॉइल इरोजन फ्लड्स एंड ग्लोबल वार्मिंग उसके बाद में लिखी हमने वी मस्ट प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट फॉर दिस परपज वन महोत्सव इज ऑर्गेनाइज इन जुलाई एवरी ईयर फॉर अ वीक ड्यूरिंग दिस वीक लैक्स ऑफ सप्लिंग सर प्लान्ट प्लानड थ्रू आउट द कंट्री इसका टाइटल हमने दिए फिर वन महोत्सव तो आप फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ भी दे सकते हैं अब हम फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में पैसेज